गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 2.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड सोल्व करवाऊंगा। इसके अंदर आपको सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा फाइंड, इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है 1/4 ऑफ 1/4, 3/5, 4/3। यानी 1/4 पार्ट आपको फाइंड करना है 1/4 का, 3/4 का, 3/5 का एंड 4/3 का। तो ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन हमने जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने सोल्व किए थे। तो चलिए पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1/4 पार्ट किसका, ए का 1/4 ओ की जगह राइट करना आपको मल्टीप्लाई 1/4, तो क्या हो जाएगा इसका, 1 को 1 से करें तो 1 1 1, 4 4 16, 1/16 होगा। नेक्स्ट है बी, बी में आपको 1/4 मल्टीप्लाई 3/5, 3 1 3 5 4 20। सी की वैल्यू फाइंड करनी है 1/4 मल्टीप्लाई 4/3, तो 4 से 4 कट हो जाएगा, ऊपर बचा आपके पास 1/3। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है 1/7 ऑफ 2/9, 5/6, 5/3, 10। तो सबसे पहले ए 1/7 मल्टीप्लाई 2/9, तो 2 1 2, 7 9 63। एंड जो बी है इसमें राइट करना आपको 1/7 मल्टीप्लाई, जो 1/7 है वो तीनों के साथ राइट करना है मल्टीप्लाई 6/5, तो 6 6, 7 5 35। एंड लास्ट है सी 1/7 मल्टीप्लाई 3/10, तो 3 1 3, 7 10 70। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। आपको क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है और लोवेस्ट फॉर्म यानी इसको काट के छोटा करना है अगर वो पॉसिबल हो तो। अगर जो नंबर इसमें कटता है उनको काट के यानी डिवाइड देके इसको छोटा कर सकते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे इसको, तो मिक्स फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर नंबर में चेंज करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में 3 2 6, 6 और 2 मिला के जाएगा 8/3। अब क्या करना है, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16, 3 3 9। तो ये दोनों एक टेबल में नहीं आते तो ये आपका आंसर ये रहेगा, यानी सेम टेबल में आने चाहिए दोनों नंबर। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, ये देखना है यहाँ पे 7 से 7 कट हो गया, तो बचा आपके पास 2/9, 2/7 मल्टीप्लाई 7/9, 7 से 7 कट हो गया, तो बचा आपके पास 2/9। यहाँ पे कट कर सकते हो 2 की टेबल से, 2 1 2 2 4, 2 3 6। टू की टेबल से करेंगे 2 3 2 1 2 2 2 4 2 3 6, यानी 3 टाइम 2 4 8। तो ऊपर क्या बचा, 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन में देर का 4 मल्टीप्लाई 4, 3 3 9, 4 4 16। दोनों सेम टेबल में नहीं आते तो आपका आंसर रहेगा 9/16। यहाँ पे चेक करना है तो कोई भी नंबर किसी नंबर से नहीं कट रहा, तो 9 3 27, 9 3 27, 5 5 25। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है 1/3 अब मल्टीप्लाई 15/8, 3 की टेबल से 15 कट हो रहा, 3 1 3, 3 5 15, 5 को 1 5, 8 को 1 8, 8 1 8, यानी 5/8 इसका आंसर होगा। उसके बाद में 11 किसी भी से नहीं कटेगा, 3 भी किसी नंबर से नहीं कट रहा है, तो 11 को 3 से करेंगे, 11 3 जा 33, 10 2 जा
एंड लास्ट क्वेश्चन सर, ना तो 5 से 8 दोनों कटे ना 7 की टेबल में आते, तो 12 को करना है 4 से मल्टीप्लाई और 5 को करना है 7 से, तो 12 4 से 48 और 7 5 से 35। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, मल्टीप्लाई द फॉलोइंग फ्रैक्शन, यानी फ्रैक्शन में नंबर दिए गए इन सभी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इन सभी नंबर को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है फ्रैक्शन नंबर को। तो सबसे पहले दिया गया 2/5 मल्टीप्लाई बाई 5/5 एंड 1/4, तो ये मिक्स फ्रैक्शन में इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 5/4 20 और 1 मिला जाएगा 21/4, तो 2 की टेबल से 2 1 2 2 2 4, ऊपर तो होता 21 1 21, नीचे जाएगा 5 2 10। सेकेंड क्वेश्चन है 6 and 2/5 मल्टीप्लाई 7/9, तो मिक्स फ्रैक्शन में इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे, तो 5 6 30 30 और 2 मिला जाएगा 32/5 7/9। तो चेक करना है 5 से 7 की टेबल भी नहीं कट रहा है ना 32 कट रहा है ना 9 की टेबल से 32 कट हो रहा है, तो 32 को करना है 7 से। इसका आंसर होगा। थर्ड है 2/3 मल्टीप्लाई बाई 5 and 1/3, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है सबसे पहले, मल्टीप्लाई 5 3 15 और 1 मिला के जाएगा 16/3, तो 16 ये 3 की टेबल से 16 कटने वाला है ना, 2 कट होता तो 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, 3 को 3 से करना है 9। क्वेश्चन नंबर 4 है 5/6 मल्टीप्लाई 2 and 3/7, 5/6 मल्टीप्लाई 7 2 14 और 3 17/7, तो 7 से ये दोनों नंबर नहीं कट हो रहे ना 6 से कट होता है, तो 7 से मल्टीप्लाई 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, और 6 को मल्टीप्लाई करना है 7 से 85/42। क्वेश्चन नंबर 5 है 5 3 15 और 2 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 17/5 मल्टीप्लाई 4/7, तो कट नहीं हो रहा है कोई भी नंबर किसी से भी, ना तो 7 से कट होता है ना 5 से कट हो रहा है, तो आपको क्या करना है 17 की मल्टीप्लाई, टेबल कौन है 4 है, और 5 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, 7 5 35। क्वेश्चन नंबर 6 है 5 2 10 और 3 मिला के जाएगा 13/5 3, तो 3 को मल्टीप्लाई करना ऊपर वाले नंबर से 13 3 39/5। लास्ट क्वेश्चन है 3 and 4/7 मल्टीप्लाई बाई 3/5, तो 7 3 21 21 और 4 मिला के जाएगा 25/7 मल्टीप्लाई बाई 3/5, 5 1 5 5 5 25, 5 3/7, 5 3 15/7 इसका आंसर होगा। इस प्रकार से आपको इस टाइप के जो फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई होते हैं आसानी से सोल्व कर सकते हो। इनके अलावा जो आगे के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है 5 6 7 8, ये आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करवाऊंगा।